जय हिंद दोस्तों, तो मैं वापस आ गया मेरे नए वीडियो के साथ। अभी बहुत से लोग जो मेरा वीडियो रोज देखते रहेंगे वो लोग सोचते रहेंगे अरे ये जय हिंद दोस्तों क्यों बोल रहा है, व्हाट्सएप गाइस क्यों नहीं बोल रहा है। तो उसकी वजह है ये, अब भाव वीडियो नहीं बनाएगा। रुको जरा, सबर करो, समझा। अभी बहुत तरीके से तुम्हारी मारूंगा। बहुत खुशी हो रही थी क्या मेरा वीडियो देख के कि चला गया मिठाई बांटे? और जो इतनी खुशी दिख रही है मेरे चेहरे में उसकी तो बहुत सारी वजह है। पहली वजह तो मैंने आपको बता दी, और दूसरी है ये नई कुर्सी, नया सेटअप। ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर पे, अभी थोड़े लॉकडाउन में गेस्ट आए हुए हैं ना, इसलिए बाजू वाले के घर पे करना पड़ रहा है, नहीं तो अपना क्या साले कुत्तों की जिंदगी। इतनी सारी खुशी और अभी भी लोग बोलेंगे मोदी जी अच्छे दिन लेके आओ। और कितने अच्छे दिन चाहिए तुमको मोदी जी से? अरे ये कहाँ से आ गया। आई नो कि 2020 में बहुत सारी बुरी चीजें हुई है, मगर अच्छी चीजें भी हुई है जिसपे आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया। पहली, टिकटॉक बैन हो गया। दूसरी, अमिताभ बच्चन खुद खड़े होकर सुसु करने गए। और तीसरी, हिंदुस्तानी भाव ने वीडियो बनाना छोड़ दिया। वो तो छोड़ो, 2020 में मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं जिसपे बात करने वाला वो तो शायद आप सबको पता चल ही गया रहेगा क्योंकि टाइटल में आपने पढ़ लिया, चाइना हाय हाय। तो बेसिकली ये मैं एक सीरीज या फिर एपिसोड टाइप बनाने का सोच रहा हूँ, हाय हाय, जिसमें मैं कोई भी एक कंट्री को उठा के या फिर कोई भी एक देश को उठा के उसके अच्छी चीजें का तो पता नहीं, मैं बुरी चीजों की बात पक्का करूंगा। तो इसी बात पे चलिए शुरू करते हैं। चाइना, ये चाइना वाले है ना, उन लोग के जिंदगी में जरा सी भी चैन नहीं है, ना ही उनके जिंदगी में शांति है। जहां देखो वो अपना घुसा देते हैं, वो अपना ऐसे होता है ना, क्या होता है वो ब्रूस के आगे क्या लगाते हैं, ली हाँ, अपना जहाँ देखो वहां उंगली घुसा देते। और जिन जिन लोगों ने एल का कुछ दूसरा सोचा रहेगा ना, सब नरक में जाने वाले हो तुम। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। तो पहले बात करते हैं चाइना के लोगों से। चाइना के लोगों का मेरे को ये नहीं समझ में आता है, उनका जो आंखें रहती वो पूरी कभी खुलती क्यों नहीं, ऐसी स्थिति, इतनी आंखें खोल के बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आता इतनी रोशनी बचा के करेंगे क्या ये लोग, ढंग से आंख नहीं खोल पाते। आंख तो ढंग से खुलती नहीं इन लोगों की, और चमकादर खाते मां से डर के बच्चे। ढंग से आंख खोल लो सालो, पाप लगेगा तुमको कोरोना। नहीं, मुझे एक क्वेश्चन है कि इतनों सी आंखें खोल के इनको सब कुछ पूरा दिखता भी होगा कि नहीं? नहीं, मेरे को तो लगता है ना इनको सब बड़ी चीज छोटी लगती रहेगी, जैसे बुर्ज खलीफा इनको मियां खलीफा दिखता रहेगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान। बॉम्ब नहीं चाइना है, पाकिस्तान नहीं, यहाँ MI फेंको। और ये तो पता नहीं चाइना वाले अपनी आंखें कब पूरी खोलेंगे। अब अपन बात करते हैं चाइना के खानों। ए बेटा बेरोजगार। हाँ मम्मी। अरे वीडियो शूट कर रहा हूँ। अरे वीडियो शूट छोड़, घर में देख कितने कॉकरोच छिपकली हो गई है, पेस्ट कंट्रोल वालों को कॉल कर जरा। हाँ एक मिनट करता हूँ। हेलो, हाँ शी जिनपिंग, तुम्हारे इधर से 2-3 आदमी को भेज दो मेरे इधर डिनर के लिए। चाइना के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपको तो पता ही है चाइना के प्रोडक्ट का क्या कहना, चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आई थी कि चाइना कुछ तो फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान में एक ब्रिज बनाने के लिए। तो पाकिस्तान वालों, मुझे ना आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना है कि कभी भी ब्रिज पे चलोगे ना तो आप एक ही चीज कहना, अल्लाह से दुआ कि बस आपको जिंदा रखे और वो ब्रिज कभी टूटे नहीं। और पता नहीं कि ये चाइना वाले कौन सी निंजा टेक्निक यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी इंडिया के आसपास की कंट्रीज है ना, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जितने भी कंट्रीज है वहां पर कुछ ना कुछ वो फंडिंग कर रहा है। जैसे अभी पाकिस्तान में ब्रिज का काम कर रहा है, नेपाल में भी कुछ तो भी फंडिंग कर रहा है। वैसे नेपाल को कंट्री में काम करते हैं। देखो ये वीडियो से मैं किसी को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मगर चाइना वालों अगर आपको हमला करना ही है तो अकेले आओ ना, क्योंकि मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो अभी अपन आते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट पे, बॉडी शेमिंग के ऊपर। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि चाइना वालों की सबकी शक्ल एक जैसी ही कैसे होती है, सबके सब सेम टू सेम, जैसे किसी ने जेरोक्स करके निकाला हो। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है इन लोग इसमें सच्ची में ऐसा मानते रहेंगे कि सबका मालिक एक। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि ये चाइना वाले है ना ढंग से अपनी आंखें खोलते हैं, वैसे ये लोग ना ढंग से अपना मुंह खोलते हैं, ऐसा न्योंग चौंग चौंग पिंग चौंग करके ऐसा बोलते हैं। पता नहीं इतनी आंखों की रोशनी और इतने जुबा के लफ्ज छाती में बांध के ऊपर लेके जाएंगे लगता है,
ढंग से बोल तो लिया करो यार, मुंह पर आए और लैंग्वेज की बात नहीं की तो मुझे है ना मजा नहीं आया। और इन लोग की लैंग्वेज का तो क्या कहना है, मतलब कुछ भी खाते और कुछ भी बोलते हैं, चौंग 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 चौंग। अरे क्लियर तो बोलो कम से कम कि लोगों को समझ में आए और सुनाई दे। अरे साले कुछ भी नाम रखते हैं, ली ढी पी की मी नी ही नी डी ली पी की ची बी डी डी उड़ रुड़ रुड़ सेंटर फ्रूट कैसी जी बताई। और इन लोग ने पहले खुद के लैंग्वेज पे तो ढंग से ध्यान दिया नहीं है और जाके अपना ही खुद का इंग्लिश का नया वर्जन निकाला है, मतलब इंग्लिश की भी पूरी माफ हैंग कर दी है। तो इन लोग का इंग्लिश का चाइनीज वर्जन ऐसा है कि ये लोग हिप्पो को हिप्पो नहीं बुलाते, रिवर हॉर्स बुलाते हैं, जिराफ को जिराफ नहीं बुलाएंगे, लॉन्ग नेक डियर, वोल्केनो को वोल्केनो, फायर माउंटेन, अभी अर्थक्वेक को अपन क्या बुला सकते हैं, अर्थक्वेक ना, ग्राउंड शेक, रेलवे को मतलब सीधा लैंग्वेज तो बोलना नहीं, रेलवे नहीं बुलाएंगे अपन, आयरन रोड, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, मोबाइल फोन को हैंड मशीन है ये मेरा, रॉकेट को फायर एरो और रूफटॉप को स्काई प्लेटफॉर्म। अरे स्काई प्लेटफॉर्म क्या तुम्हारे बादल उगड़ रहे हैं, इससे अच्छा तो तुम कोरोना को कोरोना भी मत बुलाओ ना, चमकादर ही बुलाओ, चमकादर भी क्यों बुलाते, चाइना ही बुला दो, मतलब कुछ भी। तो बस गाइस आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा छोटा हुआ अंदर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, नीचे जाकर कमेंट करो कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगा रहेगा तो प्लीज नीचे जाकर हिंदी चीनी भाई भाई मत लिखना, और हो सके तो अपने फ्रेंड फैमिली या फिर चाइनीज फूड लवर के साथ शेयर करो ये वीडियो। और अगर आप चाइना के फोन से ये वीडियो नहीं देख रहे रहोगे तो मुझे पता है आप ये पक्का चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अगर आप चाइना के फोन से देख रहे रहोगे इसका मतलब आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे। ठीक है, थैंक यू। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, मतलब तुम चाइना का फोन यूज करते हो, पाप लगेगा पाप।